अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एलएमए पे वेक्टर फाइल कैसे अपलोड करनी है। एलएमए बेसिकली स्टॉक कंट्रीब्यूटर की एक वेबसाइट है। elma.com पे आप चले जाएंगे, चेक कर लें। इस पर एज ए कंट्रीब्यूटर आपने रजिस्टर हो जाना है। इसी तरह सेम एलएमए जो कंट्रीब्यूटर पैनल है इसका, ये पैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से वेक्टर फाइल अपलोड करने के लिए जब अपलोड पर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको ये बताएगा कि वाया FTP अपलोड करें। जस्ट हम लोग इलस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, कह रहे वेक्टर फाइल वाया FTP अपलोड कर सकते हैं आप। FTP के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे फाइल जिला। ये विंडोज़ और मैक के लिए अवेलेबल है। आप इसको यहाँ से फ्री ऑफ कास्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। अब हम करते हैं, पहले एक वेक्टर फाइल क्रिएट करते हैं, फिर फाइल जिला से इसको अपलोड करते हैं एलएमए पे। एडोब इलस्ट्रेटर ओपन कर लें। यहाँ से हम एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं। वेट रख सकते हैं हम लोग 5000 रख लेते हैं। हाइट रख लेते हैं 3500। ये हमारे पास एक फाइल आ गई। और 20 पे अभी मैं जस्ट कोई भी चीज़ अच्छी सी अभी क्रिएट कर लेता हूँ। अभी मैं एक अभी क्लाइंट का काम कर रहा था, उसी सिलसिले में एक मेरे पास है था कंसेप्ट, उसी को मैं यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ बॉक्स किसी कलर का, इस तरह का। इसकी जो है साइड्स हैं उनको कर लेता हूँ हल्का सा राउंड कर लेता हूँ मैं। और बेसिकली रियल स्टेट का है एक था वो ये कंसेप्ट था, उसी को मैं अभी उसी पर काम करूँगा। इनको कर लेता हूँ यहाँ से सेंटर और माइनस फ्रंट कर लेता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास आ गया, एक आ गया कैमरा आ गया। इसको कर लेता हूँ लाइन अलाइनमेंट ही कर ली मैंने, ठीक है। इसको रखूँगा ब्लैक एंड वाइट में, अभी फ़िलहाल मैं रखता हूँ यहाँ पे, रख लेता हूँ यहाँ पे सेंटर में। कोई भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो आपकी मतलब अभी रिक्वायरमेंट है तो ऐड कर दें आप। जैसे मैं लिखता हूँ कि योर कंपनी, क्या क्या फॉन्ट कोई भी स्ट्रांग सा रख लेता हूँ मैं। इसी की एक कर लेता हूँ यहाँ पर कॉपी। तो इसमें ऐड कर लेता हूँ स्पेसिंग वगैरह और इसको एक्सपेंड कर लेना आपने। एक्सपेंड मतलब के मतलब ऑब्जेक्ट में इसको भी कन्वर्ट कर लेना आपने। ये जब हो गया कन्वर्ट, इसको भी सेंट्रल लाइन में कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह कर लें आप लोग। अब आ जाता है कि विद कोई कलर ऐड करना है ना, अभी कोई बैकग्राउंड पे ना। अभी मैं इसको कर लेता हूँ हाफ वाइट हल्का सा, अभी बैकग्राउंड कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है। ये कर लेते हैं सेंड टू बैक हम लोग। मेरे पास ये अभी आ गई, अभी फाइल आ गई, ठीक है। अच्छा, ये क्यों ऐड करते हैं बैकग्राउंड, किसी भी कलर का आप ऐड कर सकते हैं, वाइट भी ऐड कर सकते हैं विदाउट बैकग्राउंड। जब हमारी फाइल होती है सेव, जब अपलोड होती है तो वो सिर्फ हमारा इसी आर्ट के जो ना जो साथ साथ एरिया इसी को ही सिर्फ कंसिडर करता है। तो उसका ये होता है कि लास्ट के जब हमारी फाइल अपलोड होती है तो एलएमए या शटरस्टॉक एडोब स्टॉक वाले हमें कहते हैं कि जो आपकी फ़ाइल का जो साइज़ कम है ना। ओरिजिनली हमारा तो इतना अच्छा खासा साइज था, लेकिन ये ज़ाहिर है ये जो एम्प्टी स्पेस तो वो नहीं कंसिडर कर रहा होता उनका एल्गोरिदम। तो एम्प्टी स्पेस आप लोगों ने रखनी है साथ। ये चीज़ कंप्लीट होगी उसके बाद हमने फाइल को करना सेव एज। इसको सेव करना है EPS में आपने, ठीक है, मीडिया के नाम से कर लेते हैं सेव। EPS का वर्जन 10 करना है आपने और ओके कर देना। ये इसकी रिक्वायरमेंट हमने अभी कंप्लीट कर ली। अब हम ओपन करते हैं फाइल चला।
फाइल जिला ओपन आपने जब करना है तो यहाँ पर अपना ऑप्शन आ जाता है कोई भी अपनी साइट ऐड करने का, ठीक है। यहाँ पर आपने ऐड कर लेना है, न्यू कर लेना, तो आपके ये सामने होस्ट आ जाएगा, उसके बाद यूज़र नेम, इसका पासवर्ड आ जाएगा। होस्ट आपका अपलोड डॉट लैमे डॉट कॉम है, यूज़र नेम आपका जो भी ईमेल आईडी है और जो भी पासवर्ड लैमे के लिए आपने रखा हुआ है जो वेबसाइट के लिए, वही यहाँ पर यूज़ करना है, जो कंट्रीब्यूटर पैनल के लिए, ठीक है। इसको कर लेना कनेक्ट। यहाँ पर ये भी कनेक्ट हो गया। अब आपने इसमें वेक्टर वाले सेक्शन में अपनी फाइल अपलोड करनी है, उसके लिए जो भी मेरा फोल्डर है उधर पे जाता हूँ मैं, डेस्कटॉप पे। ये अभी फाइल थी मेरी, इस फाइल को मैं उठा के यहाँ पर सिंपली कर दूंगा ड्रैग एंड ड्रॉप। अगर कोई इमेज होता है या वीडियो तो वो मैं स्टॉक वाले फोल्डर में उसको ऐड करता। अभी ये ज़ाहिर वेक्टर था तो मैंने वेक्टर वाले में ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये आपकी जो फाइल अभी अपलोड तकरीबन हो चुकी है, अपलोड होने के बाद यहाँ से स्टेटस इसका भी रिमूव हो जाएगा, मतलब अब ये भी फिनिश हो चुकी है, ठीक है। अब इसको बेशक आपने यहाँ से अभी क्लोज़ कर देना है। अब हम वापस आते हैं एलएमए पे, एलएमए डॉट कॉम या एलएमए का अपने अभी कंट्रीब्यूटर पैनल ओपन कर लेना। उसके बाद जब आपने करना है साइन इन कर चुके होंगे तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर 5 मिनट्स आपने यहाँ पे चेक कर लेना इमेज इज नॉट ऑन सेल पे। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे जो फाइल अपलोड की हुई है आपने, वो सारी फाइल यहाँ पे आ जाएंगे, ये चीज़ शो कर रहा है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसका यहाँ पर ऐड करना है इसका टाइटल, जैसे मैं अभी इसका अभी भी कुछ भी ऐड कर लेता हूँ, मीडिया हाउस रियल इस्टेट होम विद कैमरा सिंबल आइकन मोनोग्राम वेक्टर लोगो डिज़ाइन, ठीक है। इस तरह का जिसमें मैंने अभी मल्टीपल इसमें जो टैग भी यूज़ कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे, ये जो ऑलरेडी जो टैग इनको रिमूव कर देता हूँ। वापस जाना है इधर, यहाँ पे वेबसाइट ओपन कर लेनी है, ड्राफ्ट स्टॉक डॉट आई ओ, यहाँ पे आप पे सर्च कर सकते हैं, रियल इस्टेट साथ कर लेते हैं कैमरा, कैमरा का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, कैमरा लोगो वेक्टर में इसको सर्च कर लेते हैं। ये जो आ गया टॉप के जो 50 कीवर्ड्स हैं इनको कॉपी कर लें आप, लैमे में जाएं और यहाँ पे इनको कर लें पेस्ट, ठीक। इसमें जो रेलिवेंट जो हैं टॉप 10 उनको आपने यहाँ से भी सिलेक्ट अभी कर लेना, ठीक है। जैसे हो गया लोगो होम है, स्टेट हो गया रियल हो गया, फोटोग्राफी हो गया प्रॉपर्टी रियल स्टेट जो मुकम्मल हो गया, फिल्म फोटोग्राफर और इसके बाद कैमरा, ये मेरे जो टॉप 10 थे ये मैंने यहाँ से भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी जो ये काम करता जा रहा हूँ आप ये चेक कर रहे हैं भी ग्रीन बार ये सारी फिल होती जा रही है। इसके ऑप्शंस में आना है यहाँ पर, फिर ये ऑप्शन जो सारे फिल कर लेने हैं, ठीक है। कोई भी नहीं है यहाँ पे, अपनी कोई भी लोकेशन ऐड कर लें, कोई भी डेट ऐड कर लें इधर की, ठीक है, और कैटेगरीज की चूज़ कर लें, यहाँ से आर्किटेक्चर में डाल देता हूँ और एंटरटेनमेंट, बल्कि और आर्किटेक्चर में इधर मैं अभी यहाँ पे अभी ऐड कर लूँगा, यहाँ से आर्किटेक्चर सेलेक्ट कर लूँगा और जो है मेरे पास आ रहा है अभी ये सेकंड में, यहाँ से भी कोई एक ऐड ऐड कर लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और 100% हो गया तो इसको मैंने कर लिया सेव। जब मैंने सेव कर लिया ऑटोमेटिकली ये चीज़ अभी ये सबमिट होगी। लैमे पे FTP से अपलोड करने का यही तरीका है। इस तरह इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं और वीडियो भी। कोई भी सवाल हो आप काइंडली कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं।